सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के पटेल नगर में घर से आटा लेने गए व्यक्ति को पीट पीट कर घायल करने और उपचार के दौरान व्यक्ति की मौत होने का मामला सामने आया है। मृतक की पत्नी का आरोप है कि उसके पति को गली में बुरी तरह से पीटा गया, जिसके कारण उसकी हालत गंभीर हो गई। अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आ रही है, जिसमें आरोपी स्कूटी और मोटरसाइकिल पर दिखाई दे रहे हैं। राजवंती ने बताया कि करीब एक घंटा बाद सोनू अपने 5-7 साथियों के साथ फिर से उसके घर पर पहुंच गया। वो रवि दत्त पर गाली देने का आरोप लगाते हुए माफी मांगने को कहने लगा। इस दौरान उसने फिर से गाली गलौज भी की, जिस पर उसका शोर सुनकर आसपास के लोगों के आने पर वो भाग गए। उसके बाद उसने अपने पति को घरेलू उपचार दिया, जिसके बाद वो सो गए। शनिवार सुबह वो सोकर उठे तो उसकी हालत अचानक बिगड़ गई। वो परिवार के लोगों की मदद से अपने पति को लेकर नागरिक अस्पताल में पहुंची। वहां उसके पति को प्राथमिक उपचार देने के बाद रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। पीजीआई में उपचार के दौरान देर रात घायल ने दम तोड़ दिया। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सिविल लाइन थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। मेरा राजवंती नाम है जी। मैं वो आटे के लिए भेजा भाई, चक्की पर पीसना रखा हुआ है और आटा उठाया, वो आया नहीं। उसने 10-15 मिनट होगी गए ना, मैं घर से गई, मगर सब्जी भी लेकर आइए और उसने देख कर भी आइए बुला के पास में ही है चक्की। अच्छा मैं गई, वहाँ पड़ा हुआ था प्लाट में, अच्छा उसके मुँह में का खून आ रहा था बिल्कुल। फिर मैंने रिक्शा बुला कर रेठवाइयो पब्लिक खड़ी हुई थी, रिक्शा बुला का हम रिक्शा में उसने घेर लियाई घर पर। फिर आए पाछे उस तो पानी पूनी पे आया ठीक था थोड़ा, हाँ अच्छा। फिर वो रात ना आए, एक तो डॉक्टर सोनू था और एक तेजा का लड़का था, ठीक है, वो 7 बंदे थे, ठीक है। वो आके उन दरवाजा खूब खड़काया, तोड़ा, खोल दरवाजा। अच्छा मैंने वो उठाया, तब भी होश था, उठा के वहाँ ले गए, वहाँ से गिरवान पकड़ी, मरने के लगे मारेंगे तमजा है और तड़का तो ना खत्म करेंगे, मारे तो और कहना था याद है सर करके गई। फिर क्या लगे, हम नहीं छोड़ा किसी ने भी, खुद हमने भी खतरा है, मेरी पोतिया ने खतरा है, ये 10-10 साल की 12-12 साल की है, कोई कुछ भी नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं थी, कदे भी लगाओ नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कया सुनी नहीं बिल्कुल भी। मेरा 3 पोती है, 1 पोता है, यो माता पिता तो यहीं पर है, माँ मर गई, हाँ मैं रख रही हूँ, पाल पोसा माँ कर रही है, इनका दादा कर रहा था, वो मार दिया, बेदर्दी तुम्हारे है जी। फिर आए पाछे उसका त्यौहार आ गया, मैंने भीतर बैठ दे। फिर वो आए पाछा तो उसकी हालत खराब होगी, जिसे वो गए ना बोला भीतर ताला लगा दे, घबरा गया कती बिल्कुल, हाय मैंने भीतर बैठ दे, दम क्यों नहीं दी है, डॉक्टर ने खूब रुके मारे हैं, चिल्लाए से खूब, ये डॉक्टर सोनू है मारन आला। हम काजल है और मेरे दादा शाम को आटा लेने के लिए चक्की पर गए थे और वहाँ से चक्की मतलब 15-20 मिनट होगी, फिर घर वापस नहीं आए, फिर माँ गई देखने के लिए और दादा सड़क पर बेहोश पड़े थे, उसको वो डॉक्टर सोनू ने खूब मारा, बहुत मारे बेचारे के, नाथ गुस्से वाले बेहोश हो गए बेचारे, फिर उसने घर उठा कर लेकर आई माँ, फिर वो सोनू तेजा के लड़के सात आठ जने आए और फिर रात में दादा तो बेचारे गेट खुड़का है, गेट खिला मार का गेट खुड़का, घर पे भी आए और फिर दादा घर से पकड़ा एकदम, तो बाहर लेकर माफी मंगवाऊंगे तू गाड़ी दे घर से, तब पता नहीं क्या क्या कह रहे थे इस तरह, फिर सारे धमका धमकू कर फिर चले गए वापस, फिर दादा बेचारा अंदर आए लौट, इसका भी ज्यादा खराब हो गई थी, उसके अंदर दहशत बैठ गई थी ना, कोई दुश्मनी नहीं थी उनके साथ ना, कोई बातचीत हमारी तो कोई भी तफ्तीश जारी है।